नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में मकान की दीवार में कोमल लगाकर लाखों की चोरी। सूचना पर पहुंचे थाना नकासा पुलिस के दो कांस्टेबल रात के अंधेरे में चोरी घटना को अंजाम दिया। जनपद संभल थाना नकासा क्षेत्र ग्राम पीपली रहमापुर निवासी मुकेश उर्फ प्रमुख पुत्र हरबीर सिंह अपने घर पर रात को पंखा चलाकर सो रहे थे। सुबह को हरबीर की पत्नी वृक्षा ने उठकर देखा कि घर की सैफ अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, बेड पर सारे कपड़े इधर उधर पड़े हैं। बीती रात मकान के पीछे दीवार से कोमल लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की सूचना घर के मालिक से बात की तो जानकारी देते हुए बताया गया कि हम दोनों पति पत्नी अपने घर के आगे पंखा चलाकर सो रहे थे, जिस कारण हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हमारे घर के पीछे कोमल लगाकर चोरी की गई है। चोरी में लगभग हमारा 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 10 चीज़ें व नगद 10,000 रुपये, एक सैमसंग का मोबाइल भी चोरी हो गया। संभल से मोहम्मद अली नकवी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रमुख। आपके गाँव का नाम? जी क्या हुआ भैया? कोमल कटा है रात। अच्छा, रात कोमल कट गया आपके घर पर। हाँ। तो इसकी कोमल कटने की जानकारी आपको कब हुई, रात हुई या सुबह? सुबह हुई है, तड़के में। अच्छा, सुबह तड़के हुई जानकारी आपको। हाँ। तो जब आप अपने घर में देखा, आपने आपके घर का कोमल कटा हुआ था, तो रात सब लोग आप अपने घर पे थे या आप लोग बाहर गए होते? तो दो जने सोमे यहाँ पे, मियाँ बीवी बस दो। अच्छा अच्छा, बाकी लोग अलग सोते हैं? हाँ, बाकी अलग रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों सो रहे थे? हाँ, बाहर से किवाड़े लग रही थी और अंदर से उन्होंने लगा ली थी। अच्छा, बाहर पंखा चल रहा था। तो इसमें आपका लगभग कितना सामान चोरी हो चुका है यहाँ से? हमारे 1,00,000 रुपये का चोरी हो गई। अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ लगभग? 10 चीज़ें सोने की हैं, 5 चीज़ें सोने की जी, 5 चांदी की और नगद है, 1 मोबाइल है। अच्छा, कुछ पैसे वैसे भी गए हैं आपके? 10,000 रुपये नगद गए हैं उसमें से। 10,000 रुपये नगद भी गए हैं आपके। तो आपको जैसे सुबह जानकारी मिली, इस संबंध में आपने थाने में सूचना वगैरह दी? अभी नहीं दी है सूचना। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? वृक्षा। आपके गांव का नाम? रामापुर। क्या हुआ आपके घर पर? चोरी। अच्छा, चोरी हो गई। हाँ। अच्छा, जिस समय चोरी हुई थी आप लोग कहाँ थे उस समय? हम यहीं पे सो रहे थे। अच्छा, यहीं पे सो रहे थे। हाँ। तो आपके क्या क्या सामान चोरी हो गया लगभग? जितनी चीज ही घर पे वो अच्छा, सब चली गई जी। और कुछ पैसे भी गए आपके? हाँ, 10,000-12,000 रुपए थे। अच्छा, वो भी चोरी हो गए। हाँ।